नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती से एक न्यूज़ आपके सामने आई है। अगर ये चीज़ बिहार सरकार पहले करा दी होती और इसके रिजल्ट के बाद बिहार शिक्षक भर्ती जो आई थी उसको कराई होती, तो आज कई बच्चों को बिहार में घर में एक तरह से बोला जा सकता था कि नौकरी होती। क्योंकि कुछ ऐसे विषय थे जो स्टेट के बिहार में जो 2019 के बाद हुए ही नहीं, उन बच्चों ने स्टेट उसमें दिया ही नहीं। और रही बात जो रिसेंट के पास आउट बच्चे थे, उनकी बात तो ठीक है, जो रिसेंट पास आउट बच्चे उन्होंने भी कभी बिहार स्टेट 19 से लेकर 23 तक 4 सालों में स्टेट हुआ नहीं, तो स्टेट दिया नहीं गया। तो वो 4 साल के जो बच्चे उस फेज में जो बच्चे थे उनके साथ 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 गलत हुआ। अब आप जब शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है तो एस्टेट निकाला जा रहा। अगर यही प्रक्रिया पहले हुई होती तो आज शिक्षक भर्ती का कुछ और रुख होता। तो ये साफ साफ सरकार अब अगले बार के लिए हो रहा है, अब यहां से वैकेंसी बचेगी तो आपको फिर से वैकेंसी हो सकता है निकालेगी। अब कितने साल बाद निकालेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एस्टेट का फॉर्म आ चुका है, एक तरह से पात्रता परीक्षा होता है एस्टेट आपका, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए जो लोग टीचर बनना चाहते, पहले इसी के बेस पर आपको टीचर अपॉइंट किया जाता था, जो इसमें पास हो जाता था वही टीचर बनता था। लेकिन अब एक इसके बाद भी आपका एग्जाम होता है जो अब शुरुआत हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती। यहां इस पास को, इस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद आपको वो शिक्षक भर्ती का एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपको टीचर अपॉइंट किया जाएगा। तो इस पात्रता परीक्षा में होता क्या है, इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे हम बात करें क्लास 9, 10 और 11, 12, इसमें एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 होता है। एस्टेट पेपर 1 क्लास 9 और 10 के लिए होता है और 2 जो होता है 11 और 12 के लिए होता है। तो वही आपका यहां पर हम बात करें तो यहां देखिए पेपर 1 जो एस्टेट का लाया गया है, एस्टेट पेपर 1 ये आपके हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगला हो गया, मैथिली, संस्कृति, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सब में लाया गया है। इन सब का एस्टेट होगा क्योंकि आने वाले समय में आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाओ, पात्र रह पाओ। तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी सेम एलिजिबिलिटी है जो शिक्षक भर्ती की थी, आपका उस विषय में 50% के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 50% के साथ उस विषय में, सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए, प्लस आपके साथ क्या होना चाहिए, बीएड कंपलसरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मोटा मोटा ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लें टीचिंग वाला, यहां पर अगर दिख नहीं रहा होगा तो क्लियरली, ये बहुत न्यूज़पेपर की कटिंग में आया है। तो बी आपका स्नातक होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, यही आपका दिया गया है। संगीत वालों के लिए संगीत से है, यहां पर आप देख लीजिएगा संगीत से है कि किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि उसके समकक्ष आहर्ता, यहां पर बीएड की कोई खास वो नहीं है कि आपको बीएड चाहिए संगीत में। ललित कला में भी वही है, नृत्य विषय में भी वही है, बस आपको 50% चाहिए उस पर्टिकुलर चीज में, जो भी डिग्री लिए हो या उससे रिलेटेड कोई आप समकक्ष आहर्ता लिए हो। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा जैसे शिक्षक भर्ती में संशोधन किया गया था कि गणित वाले जो टीचर होंगे वो स्नातक में अगर उनके साथ गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, रसायन या सांख्यिकी में से कोई भी दो विषय है, गणित के साथ कोई भी दो विषय इनमें से है, तो वो एलिजिबल होगा मैथ के टीचर में। तो मैथ के टीचर में अब बीटेक वाला भी एलिजिबल होगा और बीसीए वाला भी एलिजिबल होगा। ठीक है, और जो साइंस का टीचर होगा, एक विज्ञान के टीचर में अगर हम बात करें तो यहां बोला स्नातक जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन पठिको अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसे विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी, मतलब यहां पर बीटेक वाला जो बंदा होगा, ठीक है, जो बीटेक वाला बंदा होगा उस बंदे को आप विज्ञान में, मतलब मैथ वाला भी हो सकता है, इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता किया जाता हो,
ठीक है, ये चीज होना चाहिए। जैसे इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर साइंस और मैथ के भी टीचर बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के लिए इतिहास, भूगोल और साथ राजनीति शास्त्र में किसी भी दो विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। ठीक है, प्राचीन इतिहास भी आपका किसमें शामिल होगा, इतिहास में शामिल हो जाएगा। ठीक है, भाषा संबंधित आपको बता ही दिया गया है। तो जो आहार्ता आपकी अगर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती की थी वही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले बीएड नहीं किए हैं तो एस्टेट दे सकते हैं। बीएड अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। बीटेक वाले अगर आपको गणित और साइंस का एस्टेट देना है तो, जैसा यहां पर शिक्षक भर्ती में था। हाँ, बीएड किसके लिए नहीं अनिवार्य है, बीएड बस कंप्यूटर टीचर के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे जब 9th-10th में कंप्यूटर टीचर नहीं है, पेपर टू में आएंगे तो पेपर टू में आपके हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सबका है आपका, सब इतने। इसमें भी आपको 50% के साथ क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए और आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। उस विषय में आपका 50% होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये आप बाकी जो सब्जेक्ट है इनकी आहार्ता यही है इतिहास भूगोल के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए जो आहार्ता शिक्षक भर्ती में था बिहार के वही है। यहां साफ लिखा है कि आपको बीएड जरूरी नहीं है, इसमें आपके लिए बीएड जरूरी नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के लिए है पेपर टू के लिए। यहां आपके पास 50% के साथ अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से या डीओ डोएक से ए लेवल या स्नातकोत्तर की उपाधि धारण किए हो, आप बीटेक क्या हो, बीटेक अगर आप ईसी और मतलब साइंस सीएस और आईटी हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको किसी भी चीज की, है ना। उसके बाद से अगर आप बीटेक किसी और स्ट्रीम से हैं, मान लो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो आपके पास कोई कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, मतलब पीजीडीसीए चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर में स्नातक है जैसे बीसीए किए हो तो आप किसी भी विषय में स्नातक हो, आप अगर बीसीए किए हो तो बीसीए के साथ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय से हो कोई दिक्कत नहीं। हां, अगर आपने क्या किया है, एमसीए किया है या कंप्यूटर में कोई मास्टर डिग्री लिया है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद से बोला है आप किसी विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि रखते हैं तभी भी आप एलिजिबल हो। डोएक से बी लेवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डोएक का बी के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट से की हो तो एलिजिबल है। ठीक है, एमसीए 3 वर्षीय वाले जो कोर्स है वो भी एलिजिबल है। डोएक से अगर आपने सी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, बोला सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डोएक सी से स्तर पे सी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपका जो आपका दिया गया था किसमें, बिहार के शिक्षक भर्ती में, ठीक है, जो दिया गया था आपके शिक्षक भर्ती में वही सब चीजें हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो तो एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि लिए हो तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो किसी भी विषय में। अगर कंप्यूटर साइंस से आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मतलब पीजीडीसीए है और आप चाहते हो भरना तो पीजीडीसीए के साथ आपका पीजी किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिए, अब स्नातक हो तो अभी भी आपका क्या होना चाहिए, पीजी किसी विषय में होना चाहिए, यही सब चीजें हैं। एमसीए 3 सेमेस्टर वाला ये एलिजिबल होगा, तो वो सब आपका एलिजिबिलिटी यहां दिया गया है, आप देख सकते हो कृषि और इन सब चीजों के बारे में यहां पर बोला गया। टोटल पेपर का जो पैटर्न होगा, सब्जेक्ट आपका जो है 100 नंबर आएगा और जो एक तरह से बोला जाए सीडीपी वाला पार्ट है,
शिक्षण कला और अन्य दक्षता जो होगी वो आपकी शिक्षण कौशल जो आएगा टीचिंग एक तरह से वो आपका 50 टोटल 150 का होगा। इसमें कुछ इस बार जब लेट आया है तो आयु में छूट भी दिया गया है कुछ लोगों को, कुछ सब्जेक्ट वालों को, वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अनारक्षित के लिए 37 साल है मैक्सिमम, महिलाओं के लिए 40 है, पिछड़ा वर्ग 40, अति पिछड़ा वर्ग 40, अनुसूचित जाति 42, अनुसूचित जनजाति 42 साल है। और यहां पर लिख दिया गया है, आप देखोगे जब, तो यहां बोला गया है आपसे एक लाइन कि स्टेट पेपर एक में विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत और उर्दू, तथा पेपर दो में अंग्रेजी, गणित, भौतिक रसायन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली और ऋज की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 और 22 में आयोजित की गई थी, इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी। इनके में ऐसे जो विषय जो 19 और 22 में कंडक्ट किए गए हैं उनमें आपके मैक्सिमम एज में कोई भी छूट नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, उत्तीर्ण के लिए आपको बोला गया है कि सामान्य को 50% चाहिए, पिछड़ा वर्ग को 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5%, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति को 40%, दिव्यांग को 40 और महिला को 40% लेना होगा इस परीक्षा में। तो ओवरऑल ये स्टेट का परीक्षा है, परीक्षा शुल्क 900 है, ये ध्यान, नॉर्मलाइजेशन भी होगा और जेड टॉफ फॉर्म नॉर्मलाइजेशन होता है, अननॉर्मलाइजेशन स्कोर को ही लिया जाता है। तो फॉर्म वॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जो लोग भरना चाहते हैं और अगले शिक्षक भर्ती में टीचर बनना चाहते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे बीटेक होने के साथ उनके पास एस्टेट नहीं था, बीटेक बीएड है अगर एस्टेट नहीं है तो आप किसी भी टीचर में एलिजिबल नहीं होंगे, गणित हो चाहे आपका मैथ हो चाहे साइंस हो। इसलिए कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो बीएड जरूरी नहीं है, उनके लिए एस्टेट पेपर 2 जरूरी था। तो कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी थे जो एलिजिबिलिटी रखते हो कंप्यूटर साइंस की वो एस्टेट दे लो, आने वाली भर्ती में आपके लिए झींगा लाला होगा। तो चलिए बाकी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, आपको दिख नहीं रहा है तो मैक्सिमम चीजें मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, आप देख सकते हो। बाकी और जैसे डिटेल इसकी आएगी मैं आपके सामने जरूर आऊंगा, कोई दिक्कत कोई समस्या हो इसको लेकर तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके करूंगा कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।